हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अभिनव शुक्ला जी की वाटर कलर पेंटिंग बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कोई तो सुपरस्टार या कोई बॉलीवुड एक्टर या किसी की तो पेंटिंग बनाओ, तो मुझे लगा मुझे अभिनव शुक्ला जी की पेंटिंग बनानी चाहिए। आजकल तो सब जगह वही छाए हुए हैं थैंक्स टू बिग बॉस सीज़न 14। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग बिग बॉस, आपको पता ही होगा कि इनकी बैंड बजी हुई है फिलहाल, थैंक्स टू मिस राखी सावंत। मिस या मिसेस वो हमें पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है, बट ठीक है। मुझे अभिनव का गेम पसंद है पर्सनली, बिकॉज ही इज़ वेरी काम एंड डिसिप्लिन्ड एंड वेरी ऑर्गेनाइज लगते हैं, इवन इन हिज थॉट्स। लाइक इवन अगर गुस्सा दिखाना हो तो वो बहुत सोच समझ कर गुस्सा दिखाते हैं, और मेरे हिसाब से ये किसी भी इंसान का मैच्योरिटी का सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकता है। जो इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल रख लेता है वो कोई भी चीज़ कंट्रोल कर लेता है। मैंने ये वीडियो एक स्पेशल चीज़ के वजह से बनाया। लाइक अगर आप बिग बॉस देख रहे थे जस्ट लाइक मी एंड यू आर एन्जॉइंग राखी सावंत का जो भी एंगल था अभिनव के साथ अभी तक, I was also enjoying it, like it was all fun and games. But अब recently it has become a bit cringy, like अब नहीं होता tolerate. आपको क्या लगता है, आप comments में मुझे बताइए। ये मेरा personal opinion है, I am not trying to tell you that it is wrong or she is wrong. In fact, she was my second favorite since the time she entered the house. But कहते हैं ना कि वो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट जब आप क्रॉस कर देते हो तो वो अच्छा नहीं दिखता। लाइक आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ हर, शी डजंट अंडरस्टैंड वॉट इज़ द एंड ऑफ कॉमेडी एंड द बिगनिंग ऑफ क्रिंज। अभी रिसेंटली हमने एक ट्रेलर में ये भी देखा कि उन्होंने अभिनव जी के शॉर्ट्स का नाड़ा खींच दिया। आई मीन लाइक दिस इज़ टू मच, बिकॉज जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल नहीं रहे, इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि ये ओवर हो रहा है, बट वो उनको इग्नोर करे जा रही है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट अभिनव ऑल्सो शोज हिज एंगर एंड हिज फ्रस्ट्रेशन विच इज़ शोइंग। एक्चुअली वो दिखा भी रहे हैं, बट राखी अलग ही ट्रिप पर चली गई है यार। लाइक शी जस्ट डजेंट केयर एंड एट टाइम इट गेट्स रियली स्केरी। लाइक मुझे देख के मुझे लगता है कभी कभी कि ये क्या होगा, मतलब सच में अगर ये बाहर आई एंड शी डज एवरीथिंग दैट शी इज़ क्लेमिंग दैट शी विल डू, कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी एंड ऑल दैट, अभिनव के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाने वाला है। अभी भी आई डोंट नो हाउ रूबीना इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस एज अ वाइफ, इट मस्ट बी रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हर। और लास्ट सीजन से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, लाइक लास्ट सीजन में जो कपल बहुत फेमस हुआ था बिग बॉस के थ्रू, दैट वाज शहनाज एंड सिद्धार्थ, राइट? तो सिद्धार्थ एंड शहनाज का केमिस्ट्री अलग था बॉस। लाइक शहनाज ने भी बहुत सारी पागल जैसी हरकतें की, पागलपन। लाइक शहनाज ने भी बहुत सारी हरकतें ऐसी की जो मतलब नॉर्मल लोग नहीं करते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट वो कभी क्रिंजी नहीं लगी। शहनाज वाज ऑलवेज क्यूट एंड इरिटेटिंग हो गई थी वो भी, नो डाउट इरिटेटिंग हुई थी शहनाज, बट आई डोंट थिंक शहनाज कभी क्रिंजी हुई थी, एंड दैट वाज हर बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक ऑन द शो। आई डोंट नो इफ राखी ने शहनाज का जर्नी देखा है एंड इफ शी इज़ ट्राइंग टू कॉपी दैट जर्नी और इफ शी इज़ एक्चुअली इन लव विथ अभिनव, आई रियली डोंट नो, एंड ये वही ज़्यादा बेटर बता पाएंगी। एंड अगर वो सच्ची में प्यार करती है अभिनव से तो आई थिंक शी शुड लिव हिम अलोन, लाइक जस्ट गिव हिम सम स्पेस मैन। ये सेम चीज़ इफ़ यू गाइस नोटिस कि ये सेम चीज़ उनको उनके सो कॉल्ड भाई विकास बता चुके हैं एक शॉर्ट में, आप ये देख पाएंगे, चैनल ने अपने ऐप पे भी डाला हुआ है।
विकास उनको समझाते हुए दिख रहे थे दैट अगर आप भी शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है, तो आपको ये सब नहीं शोभा देता, आपको नहीं करना चाहिए। लाइक एक एंटरटेनमेंट एंगल से ठीक है, बट इफ़ आप सीरियसली बोल रहे हो कि आपको उनसे प्यार हो गया है, तो ये गलत है। उसके ऊपर भी राखी ने जवाब दिया था कि मुझे सिर्फ पाव किलो चाहिए अभिनव। लाइक ये सब्जी मंडी थोड़ी है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे ये एंगल एक्चुअली अच्छा लग रहा था, बिकॉज अभिनव इज लाइक शी वॉज लाइक द क्रेजी गर्ल आफ्टर नेक्स्ट गाय नेक्स्ट डोर, थोड़ा क्यूट लग रहा था। एंड रूबीना भी पूरा चीज़ को लाइटली ले रही थी, बट नाउ नहीं गई यार, मतलब टू मच हो रहा है। राखी इज बिहेविंग लाइक अ साइको एंड कभी कभी डर लगता है उनको देख के यार, बुरा लगता है अभिनव के लिए कि क्या हो रहा है बेचारे के साथ। और क्या आपको लगता है कि इस वीकेंड के वार पे ये मुद्दा उठेगा, जैसे राखी बिहेव कर रही है या जैसा उनका पागलपन बढ़ते जा रहा है? अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी जो लास्ट टास्क हुआ है, टाइम लूप वाला टास्क, फर्स्ट ऑफ ऑल द टास्क वाज अमेजिंग, बहुत एंजॉय किया वो टास्क। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा कोई अलग टास्क आया था बिग बॉस में, जो पहले कभी किसी भी बिग बॉस में हम लोग, मैंने तो नहीं देखा पर्सनली, आई डोंट नो अगर हुआ है पहले, आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर ये हुआ है पहले, तो मैंने तो ये टास्क नहीं देखा। ये टास्क बहुत अच्छा था, बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब ये टास्क का अनाउंसमेंट हुआ कि कौन क्या करने वाला है, और ये अनाउंस हुआ कि अभिनव राखी के साथ पेड है, राखी अभिनव के बैक पे ऑयल लगाएगी एंड वॉट एवर, अभिनव का एक्सप्रेशन वॉज अमेजिंग। लाइक उन्होंने एक्सप्रेशन से बहुत कुछ बोल दिया था। ही समवेयर फ्रस्ट्रेटेड, ही लुक्स अ लॉट फ्रस्ट्रेटेड नाउ, ऐसे लगता है। उन्होंने एक बार रूबीना को ये भी बोला कि मतलब मैं दो तीन बार सह लूँगा एंड देन आई विल स्नैप। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू सी हाउ ही स्नैप्स। मे बी राखी को भी वही देखना है या उनका बुरा साइड सामने लाना है। कभी कभी मुझे राखी के लिए बुरा भी लगता है, लाइक शी इज़ रियली नाइस पर्सन यार, बट आई डोंट नो वाई शी इज़ डूइंग दिस। मे बी शी फील्स कि ये एंटरटेनिंग है एंड ऑडियंस इसको ये अच्छा लग रहा है। मे बी दैट ये मैसेज उन तक पहुँचना चाहिए दैट ये अब अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे लोग, इवन ऑनलाइन मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है ये, द वे अभिनव इज बीइंग ट्रीटेड एंड द वे शी इज मेकिंग हिज लाइफ हेल। एंड अभी तो वो अलग ही एंगल पे चली गई है, पूरा रिवेंज का एंड ऑल एंगल लेके, नहीं सूट होता। इवन राखी को ये सूट नहीं होता। शी इज सो एंटरटेनिंग, शी इज सो बबली एंड वो कितना हंसाती है। उनकी जो अर्शी के साथ जो भी उनका है, वो रिलेशनशिप को हम नाम नहीं दे सकते, बट जो उनकी ट्यूनिंग है अर्शी के साथ, वो कितनी एंटरटेनिंग है यार। कितना कुछ भी बोल दे तो हंसी आ जाती है। आई थिंक राखी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन हर ओन सेल्फ एंड शोइंग अस हु द रियल राखी इज, रादर देन जस्ट बीइंग समवन हु इज इन लव विद अभिनव। एंड एज एक्सपेक्टेड नाउ रूबीना को भी इरिटेशन होने लगा है राखी से। डू यू थिंक इट इज़ राइट और शी इज़ रॉन्ग? आई थिंक शी इज़ राइट। आई वुड लाइक टू नो आप लोग क्या सोचते हो। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग टू बिचारा अभिनव राइट नाउ, बट मैं गलत भी हो सकती हूँ। जस्ट एज अ थॉट, लाइक जो भी अभिनव के साथ हो रहा है, जैसे भी राखी अब बिहेव कर रही है, इमेजिन इफ कोई मेल कंटेस्टेंट ऐसे बिहेव करता फॉर अ फीमेल कंटेस्टेंट, तो क्या चल जाता? नहीं चलता, राइट? पीपल वुड हैव मेड एन इशू आउट ऑफ इट कि एक लड़की को आप अनकम्फर्टेबल फील करवा रहे हो। आई थिंक सेम अप्लाइज फॉर अभिनव एज वेल यार, वो भी तो एक इंसान है। ही साइंड अप फॉर प्लेइंग दिस गेम, ही डिड, आई डोंट थिंक ही साइंड अप फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड ही इज स्टिल टेकिंग ऑल ऑफ इट इन अ
वेरी नाइस वे. अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहे ज़्यादा, वो सब अवॉइड कर रहे. ही इज़ अवॉइडिंग अ क्लैश राइट नाउ बिकॉज ही नोज कि अगर राखी को गुस्सा आया तो दिस विल टर्न अगली. डोंट यू थिंक कि राखी को गुस्सा आया तो वो क्या करेगी? आप लोग क्या लगता है, राखी को अगर गुस्सा आ गया अभिनव पे, जैसे वो अभी भी, इफ यू गाइज हैव सीन द एपिसोड्स, वो अभी से ही रिवेंज मोड में चली गई है कि अभिनव ने मुझे वो गेम से बाहर निकाला. जैसे आई होप उनको मेकर्स ये ना दिखाए कि अभिनव ने खुद ने ही ऑयल की बॉटल छुपा दी थी, बिकॉज अगर ये हो गया तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है अभिनव के लिए, बिकॉज वो अलग ही ट्रिप पे चली जाती है व्हेन शी इज एंग्री. आई वॉन्ट टू सी राखी कैसे बिहेव करेगी इफ देर इज अ रितेश. लाइक वो खुद ही बोलती है हमें अभी भी नहीं पता कि रितेश है या नहीं है या वॉट एवर दैट इज. इफ अगर है, एंड आई होप है, अगर है तो मैं देखना चाहूँगी कि राखी कैसे बिहेव करती है. क्या वो अभिनव को भूल जाएंगी? क्या रितेश को सामने देखकर राखी पूरी दुनिया को भूल जाएगी? आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो. मेरे लिए राखी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी यार. शी इज़ लेटिंग मी डाउन एंड अदर्स ऑल्सो डाउन, उसके सारे फैंस. वी डोंट वॉन्ट टू सी राखी लाइक दिस. लाइक राखी हंस रही है, सबको हंसा रही है, यू नो वो वाली राखी पसंद है यार हमको. ये वाली राखी से डर लगने लगा है अब, स्पेशली बिकॉज अभी ना ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा. अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली राखी हैज़ बिकम क्लोज टू राहुल वैद्य ऑल्सो. तो क्या आप लोग को लगता है कि ये राखी की एक ट्रिक है दैट नाउ दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू बी अराउंड अभिनव दैट मच एंड वो अभिनव उसे रिवेंज लेने के मोड में है, तो इसके लिए वो एक बैकअप फ्रेंडशिप बना रही है विद राहुल वैद्य? डू यू गाइज थिंक सो? मुझे लगता है कभी कभी ऐसा. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज राखी की फ्रेंडशिप्स को जज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, होता जा रहा है. और मुश्किल क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ. मुश्किल इसीलिए है कि जैसे अभिनव ने उस दिन कहा था कि रुबीना से, वो कह रहे थे कि राखी पे ट्रस्ट मत करना क्योंकि ये आज तुम्हारे साथ बैठी है, कल जाके किसी और के साथ बैठेगी, और जिसके बारे में आप बुराई कर रहे हो, जिसके बारे में आप हफ्तों हफ्तों बुराई कर रहे हो, आप उसके साथ जाके फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हो तुरंत से? ये अभिनव का कहना था और मुझे लगता है कि वो करेक्ट है कहीं ना कहीं. या मे बी ये घर ऐसा है कि ये घर आपको मजबूर कर देता है कि जिसके साथ आपकी दुश्मनी है आप उसको भी अपना दोस्त बना लो. शायद ये घर ही ऐसा है. तो गाइस ये थी मेरी अभिनव शुक्ला की पेंटिंग बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन एंड माय थॉट्स ऑन बिग बॉस द करंट सीजन. अगर आपको चाहिए कि मैं और दूसरे जो कंटेस्टेंट्स है उनकी भी पेंटिंग बनाऊँ और डिस्कशन करूँ, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. I would be happy because I love Big Boss. Guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe and comments में ज़रूर बताना कि मैं next painting किसके करूँ, अर्शी की या राखी की.